यूपी के संत कबीर नगर जिले के कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के निहिया खुर्द गांव के रहने वाले एक 28 वर्षीय युवक को छत पर फोन से वार्ता करते समय गांव के ही कुछ लोगों ने सीमेंट गिट्टी से बने हुए पत्थर से कूच करके उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जाँच में जुट गयी है। जी हां, आपको बता दें कि कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के नैया खुर्द गांव के रहने वाले 28 वर्ष युवक अश्वनी सिंह उर्फ सोनू अपने छत पर किसी से मोबाइल से बात कर रहा था। तभी बीती रात में करीब 10 बजे के समय में आसपास छत होने के कारण गांव के कुछ लोगों ने छत पर पहुंचकर सीमेंटेड पत्थर से कूच कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। घटना की सूचना गांव में कोहराम मच गया और पुलिस को ग्रामीणों ने सूचित किया कि हत्या होने की खबर सुनते ही पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर कानूनी कार्यवाही में जुट गई। मृतक के परिजनों ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी युवकों के खिलाफ FIR दर्ज करा दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक अशित श्रीवास्तव की माने तो आशनाई के चक्कर में युवक की हत्या की गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के नैया गांव में रात में एक घटना हुई थी जिसमें कि अश्विनी सिंह और सोनू लगभग 27-28 वर्षीय युवक था। ये अपने घर की छत पर ऊपर था और इसके माता पिता नीचे घर में थे। उसी समय इसकी छत पर पत्थर से सर पर चोट पहुंचा करके हत्या की गई थी। शोर शराबा सुनकर इनके पिता, घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी सब ऊपर पहुंचे थे। तब मृतक का शव वहां पर पड़ा हुआ पाया गया था। बाद में सूचना पर पुलिस गई और अभी तक जो मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण करने से देखने से जो बात स्पष्ट हो रही है, क्योंकि मृतक के घर पर छत पर जो घटना हुई है, ये छत से ही उसकी 3-4 छतें अगल बगल की मिली हुई हैं और हथियारों का आना छत से ही स्पष्ट रूप से पाया जा रहा है। मृतक के पिता ITBP में ASI के पद पर छत्तीसगढ़ में तैनात थे और नवंबर महीने में मृतक की शादी तय थी, इसी के लिए वो छुट्टी लेकर के आए हुए थे। अभी तक जो प्रथम दृष्टिया जानकारी प्राप्त हुई है उससे संभवतः अवैध संबंधों को लेकर के हत्या की गई है और इसके पूरी तरह से खुलासे के लिए हमारी कोतवाली की टीम के अतिरिक्त सर्विलांस सेल की टीम भी लगाई गई है। मृतक के पिता द्वारा 2 मकान आकर जो चौथे मकान में लोग रहते हैं उसमें से 3 व्यक्तियों को नामित करते हुए FIR दर्ज कराई गई है। इसमें मृतक के शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और इसमें साक्ष्य संकलन तथा सर्विलांस सेल की जो सहयोग है उससे बहुत जल्दी घटना का पूरी तरह से खुलासा करेंगे। सर, क्या कारणों का पता चल पाया, किस कारण हत्या? मृतक अविवाहित था और अभी तक जो प्रथम दृष्टिया जो साक्ष्य मिले हैं और मौके पर जो फील्ड यूनिट द्वारा भी छानबीन की गई है, जाँच की गई है, उससे अभी तक जो संभावना व्यक्त की जा रही है अवैध संबंधों को लेकर के हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है और पूर्ण रूप से अभी जो सर्विलांस सेल द्वारा अन्य टीम काम किया जा रहा है, पूरे साक्ष्य इकट्ठा हो जाने पर हम लोग स्पष्ट इसका क्या आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अभी तो FIR दर्ज हो रही है, जो अभियुक्त इसमें नामित किए गए इनके बारे में अड़ोसी पड़ोसी और संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में गहनता से छानबीन करके आगे की कार्रवाई की जाए। सर, ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस इसमें कुछ युवकों को उठा करके पूछताछ कर रही है। इसमें जो अड़ोसी पड़ोसी लोग थे किसी को उठाया नहीं गया था, इनसे पूछताछ के लिए लिया गया था। कुछ व्यक्ति जो सबसे पहले जिन्होंने मृतक के शव को देखा उसको अपनी गाड़ी से साथ में ले जा करके अस्पताल ले गए और उन लोगों से पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी की गई, क्योंकि कुल मिलाकर के 4 ही मकान हैं जिनकी छतें आपस में मिली हुई हैं और उसी रास्ते से हथियारों का आना स्पष्ट रूप से प्रमाणित पाया जा रहा है। तो इन घरों में जो भी व्यक्ति रहने वाले हैं इन लोगों से सभी से पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में बहुत जल्दी हमारी तरफ से पूरा खुलासा किया जाए।